Ciao. हेलो फ्रेंड्स, मैं कल्पना आप सभी का स्वागत करती हूँ सान्या गार्डनिंग चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को, मैंने ये जो स्टैंड बनाया है घर में, ये मैं आपके सामने दिखाने जा रही हूँ। और इसको मैंने जीरो बजट इसलिए बताया है क्योंकि इसमें कोई भी मैंने खर्चा नहीं किया है, इसको हमने घर में ही बनाया है। तो चलिए जानते हैं कि इसको किस तरह से घर में बनाया है और इसके लिए क्या खर्चा आया। तो फ्रेंड्स, ये जो स्टैंड है, ये स्टैंड मैंने घर में ही मेरे हस्बैंड ने बनाया है। और ये देखिए, ये बिल्कुल भी इसमें कोई भी खर्चा नहीं हुआ। ये देखिए, जो ये जो ग्रिल आपको दिख रही है, ये ग्रिल हमारे दीवार में लगी हुई थी। तो जब हमने दीवार को ऊंचा करवाया तो ये जो ग्रिल है वो वेस्ट हो गई थी और ये इसी तरह से रखी हुई थी। और बस यही था कि इसको कबाड़ी को दे दिया जाए, बट इसको हम लोगों ने, तो फिर हमने इसको सोचा कि इसका कुछ यूज करते हैं और इसको हम लोगों ने इस तरह से कन्वर्ट कर दिया एक स्टैंड में। तो कुछ ग्रिल पहले से हमारे घर में बची हुई थी और ये जो दीवार में से निकली हैं, इनको हमने इस तरह से एडजस्ट कर दिया। तो फ्रेंड्स, ये जो हमने स्टैंड बनाया है इसमें कोई भी खर्चा नहीं आया। बस इसके लिए आपके घर में सोल्जरिंग मशीन होनी चाहिए। तो सोल्जरिंग हमने ऑनलाइन उसे बाय किया था और फिर इसको हमने बनाया है। इसको बनाने में बहुत टाइम लगा है, कम से कम एक महीने का टाइम, क्योंकि पहले तो फिनिशिंग करना पड़ता है इसकी, क्योंकि जो ये जो स्टैंड का जो ग्रिल है वो दीवार में लगा हुआ था। तो जो उधर आप साइड में देख रहे हैं ना, इस तरह जो आपको ये देखिए, ये जो दिख रहा है ना, इसको सबसे पहले जो नीचे की ओर है उसको कट करना पड़ा। और साइड साइड में भी इसी तरह से हुक लगे होते हैं दीवार के अंदर डालने के लिए, तो उन सभी को पहले कट करके थोड़ी सी फिनिशिंग करनी पड़ी उसके बाद। और ये देखिए, अभी नया नया पेंट हुआ है तो वो मेरे हाथों में भी लग गया है। तो पीछे का थोड़ा सा ग्रिल अभी बाकी है पेंट करने के लिए, बट मैंने सोचा कि सबसे पहले आपके साथ मैं शेयर करती हूँ कि अगर आपके पास भी इस तरह की कुछ ग्रिल या कुछ भी लोहे का सामान आपके घर में हो तो आप उससे घर में इस तरह से स्टैंड बना सकते हैं। और ये बहुत मजबूत भी है क्योंकि इसको आपने खुद बनाया है, तो आपको पता है कि इसकी मजबूती कितनी है। जब हम ऑनलाइन बाय करते हैं या फिर कहीं से बनवाते हैं तो उसकी जो मजबूती रहती है उसका थोड़ा सा वो नहीं रहता है विश्वास कि उतना मजबूत है कि नहीं है। और इसको हमने खुद घर में ही सोल्जरिंग की है तो उसमें पता है कि हमें इसकी मजबूती कितनी है। तो फ्रेंड्स, इस स्टैंड के बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ। तो इसकी जो लंबाई है, मतलब इसकी जो ऊंचाई है वो 3 फीट की है और इसकी जो चौड़ाई है वो भी 3 फीट की है और इसकी जो लंबाई है वो 6 फीट की है। तो फ्रेंड्स, आप अगर घर में बनाते हैं तो 6 फीट या उससे थोड़ा सा कम 5 फीट का ही बनाइए। बहुत ज़्यादा अगर लंबा हो जाएगा तो पॉट जब रखेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, हो सकता है कि स्टैंड आपका लचक जाए या टूट जाए। तो 6 फीट इसकी हाइट, जो इसकी लंबाई है उतनी ही रखिए। और इस तरह से मैंने इसको 3 स्टेप में बनाया है। और भी मेरे पास कुछ ग्रिल्स हैं, उसका मैं 1 स्टेप या 2 स्टेप इस तरह से करके और भी बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स, इसको जब बना रहे थे तो उस टाइम का मैंने वीडियो नहीं शूट किया क्योंकि वो थोड़ा सा कंजेस्टेड एरिया में बन रहा था। तो इसको जब मैं नेक्स्ट वाला, जब मैं इसका स्टैंड बनाऊंगी तब मैं उसका वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी कि उसको हमने किस तरह से बनाया है, क्योंकि ये थोड़ा सा इसको फिनिशिंग करने में और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। बट जो और हमारे पास ग्रिल है वो थोड़ा सा फिनिश ग्रिल है तो उसे बस सोल्जरिंग करना है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो जब हम वो वाला जब ग्रिल बनाएंगे, मतलब वो वाला जब हम पॉट स्टैंड बनाएंगे तब मैं उसका वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, ये जो स्टैंड है ये बिल्कुल जीरो बजट में, बस आपको अपने घर में सोल्जरिंग मशीन रखनी है और सोल्जरिंग आनी भी चाहिए बट ये रिस्की है। जिसको सोल्जरिंग नहीं आती हो प्लीज वो ये सब काम ना करें। जिन घर में अगर जिनको सोल्जरिंग आती हो तभी वो ये काम करें। तो सोल्जरिंग मशीन से बस आपको सोल्जरिंग करना है और घर में ही आप बहुत अच्छे अच्छे पॉट स्टैंड बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने घर में ही इसको बनाया है और ये बिल्कुल जीरो बजट है, कोई भी मेरा खर्चा नहीं हुआ। बस सोल्जरिंग मशीन जो है वो इसके यूज के लिए नहीं आई थी, वो हम घर में और भी जैसे यूज करते रहते हैं तो उसके लिए था, बट ये हमारा एक यूज हो गया, बहुत अच्छा यूज हो गया क्योंकि ग्रिल भी जो है वो वेस्ट पड़ी हुई थी और घर में जगह भी ले रही थी। तो इस तरह से हमने यूज कर लिया। अब इस पर मैं भी सारे गमलों को रख दूंगी, तब भी मैं आपको दिखाऊंगी कि सारे गमले जो है वो इस पर किस तरह से लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी जो चौड़ाई है ना एक एक पार्ट की, वो कम से कम मुझे लगता है 1.5 फीट के लगभग है। तो इस पे गमले जो हैं एक साथ आप चाहें तो एक बड़ा पॉट और एक छोटा पॉट, जैसे हम जो कप में जो बनाते हैं जो वेस्ट कप होते हैं उसमें अगर पॉट को लगाते हैं तो उन सबको भी हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अगर आपके घर में भी वेस्ट अगर कुछ भी पड़ा हो तो इस तरह से आप लोहे को जोते हैं उसको जोड़ करके आप स्टैंड बना सकते हैं।
तो फ्रेंड्स ये स्टैंड मैंने घर में बनाया है, मेरा घर में बनाया हुआ स्टैंड आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे मैं जो भी न्यू वीडियोस डालूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास है। तो फ्रेंड्स अभी मैं इस पे सारे जितने भी प्लांट्स जितने भी पॉट्स हैं वो मैं रखती हूँ, और फिर उसके बाद मैं आपको इसका वीडियो दिखाती हूँ।